खांसी और छाती में तनाव, गला खराब, तो आप जरूर अपना एक आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं और अपने आप को कुछ समय के लिए आइसोलेट करें। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। भारत में एक बार फिर कोरोना ने आतंक मचाया। एक बार फिर भारत में छाया कोरोना का डर। फिर से ये वायरस लोगों की जान ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये नजारा तो आप देख ही सकते हैं, जहां पर किसी ने मास्क पहन रखा है। ये हम आपको पुरानी वीडियो नहीं दिखा रहे, बल्कि ये हाल इस वक्त का है, जहां केरल में बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। और सिर्फ केरल ही नहीं, गोवा और महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये आता है, क्या वैक्सीन लगाने के बावजूद लोगों को वायरस अपनी चपेट में ले सकता है? क्यों ये वायरस इतना खतरनाक होता जा रहा है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, ये खबर तो आपको लग गई होगी कि कोरोना फिर से फैल रहा है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं ये क्यों फैल रहा है। असल में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट निकल कर आया है, जिसका नाम है JN1। ये वेरिएंट काफी ज्यादा घातक बताया जा रहा है, जिसने अब तक दर्जनों लोगों की जान भी ले ली है, वो भी सिर्फ कुछ दिनों के अंदर। यानी कि जो कोरोना वायरस है, उसने अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो उसे और ज्यादा घातक बनाते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये आंकड़ों का कहना है, जहां पर 24 घंटे में कोरोना वायरस से तकरीबन 600 से 700 लोग संक्रमित हो रहे हैं। देश में इस समय तकरीबन 3,500 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिसमें से 20 से ज्यादा की मौतें हो चुकी है। दोस्तों, 2021 के बाद कोविड के मामले पहली बार इतने ज्यादा बढ़े हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह कोविड का नया वेरिएंट है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यही वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश के सभी राज्यों में के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक मीटिंग की, और सभी राज्यों को अब कोविड को लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा गया, क्योंकि अब इसे नजरअंदाज करना यानी कि अपने और अपने परिवार वालों के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है। आपको वो वक्त तो याद ही होगा जब 2020 में कोरोना आया था, लोगों को लगा कि यार ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, इसलिए लोगों ने सावधानी बरतनी शुरू कर दी। लेकिन जब कोरोना का प्रकोप धीमा पड़ गया, तो लोग फिर से खुले में होकर घूमने लगे। इतने में ही वायरस ने अपना नया वेरिएंट जारी कर दिया, जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, और लोगों के मन से कोरोना का डर भी निकल चुका था। इसलिए जब 2021 में कोरोना वायरस ने आतंक मचाना शुरू किया, तो लाशों के ढेर लग गए। शमशान घाटों में लोगों को जलाने के लिए जगह नहीं थी। लोग इतने ज्यादा डर रहे थे कि वो अपने सगे संबंधियों की लाशों को छूने से भी घबरा रहे थे कि कहीं उन्हें भी ये वायरस अपनी चपेट में ना ले ले। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 2021 में की गई लापरवाही के कारण हुआ था, और यही सेम चीज दोबारा देखने को मिल सकती है। ऐसे में सवाल ये आता है कि इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या है, और ये किन लोगों के लिए ज्यादा जानलेवा है? असल में जो नया वेरिएंट है वो खतरनाक तो है, लेकिन ये उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियों ने जकड़ रखा है। इस तरह के लोगों को सतर्क रहना चाहिए। और लक्षण की बात करें तो जो लोग इससे संक्रमित होते हैं, उन्हें बार बार तेज बुखार आ सकता है, लगातार खांसी हो सकती है, नाक बह सकती है या नाक बंद हो सकती है। यानी कि सर्दी, जुकाम, खांसी जैसे लक्षण सामने आते हैं, जो कि बदलते मौसम और तेज पड़ती ठंड में भी बिल्कुल आम है। इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें सर्दी जुकाम हुआ है या फिर उन्हें कोरोना ने अपने चपेट में ले लिया। तो दोस्तों, आपको बता दें, जब कोरोना वायरस आपको संक्रमित करेगा, तो गले में दर्द और तेज सिर दर्द भी आपको झेलना पड़ सकता है, यहाँ तक कि उल्टियां और पेट में दर्द की समस्या भी आती है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत अपना चेकअप करवाइए, क्योंकि लापरवाही में आकर या फिर वायरस के बारे में जानकारी छुपाकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा आपका नुकसान है। जितना जल्दी हो आप अपने संक्रमण का इलाज करेंगे, उतना जल्दी आप ठीक होंगे, वरना अगर आप लापरवाही करेंगे तो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों के लिए भी खतरा बन जाएंगे। ये भी सवाल आता है, क्या मास्क पहनना अनिवार्य है या फिर हो जाएगा? तो दोस्तों, अभी मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है, आपको हर समय मास्क पहनकर रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन भीड़ वाली जगह पर पहनने की सलाह दी जा रही है।
ताकि आप खुद का बचाव कर लें। और अगर हम आने जाने पर लगी पाबंदियों की बात करें तो अभी तक किसी भी राज्य में कोई भी पाबंदी नहीं लगी है। भारत में आप कहीं पर भी जा सकते हैं। एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या कोविड की नई लहर फिर से आ सकती है? तो दोस्तों, अगर नई लहर की बात करें तो इसका आना मुश्किल है, लेकिन हाँ, मामले जरूर बढ़ सकते हैं, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के दिमाग में चल रहा है कि क्या वैक्सीन इस नए वेरिएंट पर काम करेगी? जवाब है हाँ, बिल्कुल ये वैक्सीन असर करेगी। जो डोज आपने लिया है वो नए वेरिएंट से लड़ने में आपकी काफी मदद करेगा। लेकिन अगर ये वेरिएंट और भी ज्यादा खतरनाक रूप से सामने आता है तो हो सकता है भविष्य में इसका अगला डोज भी लेना पड़ जाए। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी एडवाइजरी नहीं आई है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है, नया साल आने वाला है, लोग घूमने फिरने के लिए इधर उधर जाएंगे, पार्टी करेंगे। ऐसे में लोग भूल जाते हैं कि देश में क्या हालात चल रहे हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप किसी भी अधिक भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे तो मास्क जरूर लगाएं, अपने साथ सैनिटाइजर रखें, कुछ भी खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज करें, और जो कोई भी अधिक बीमार दिख रहा है आपके आसपास घर परिवार वालों में, उसको चेकअप कराने के लिए प्रेरित करें, आप और आपके आसपास का माहौल सही बना रहे। दोस्तों, यहाँ पर बात घबराने की नहीं है और ना ही लापरवाही दिखाने की है, यहाँ पर बात है सावधानी बरतने की, ताकि हमारा देश कोरोना से लड़ सके। बाकी दोस्तों, आपका कोरोना के इस नए वेरिएंट के बारे में क्या कहना, और क्या आपके भी आसपास इसके मामले देखने को मिल रहे हैं? अपना जवाब कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।